उत्तर प्रदेश लोनी शहजापूर् जिल्लालो रैलु प्रमादं चोटु चेसुकुंदी। चंडीगढ़ एक्सप्रेस ओ डीसीएम मोटार साइकिल नु ढीकोट्टिंदी। మృతులకు 2 లక్షల రూపాయల చొప్పున యూపీ సర్కారు పరిహారం ప్రకటించింది. గురువారం తెల్లవారుజామున 5 గంటల సమయంలో జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో 5గురు మరణించగా మరో ఇద్దరు గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను హాస్పిటల్ కు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఢిల్లీ లక్నో జాతీయ రహదారిపై హులసంగ్ల రైల్వే క్రాసింగ్ వద్ద ఈ యాక్సిడెంట్ చోటు చేసుకుంది. వెంటనే అప్రమత్తమైన రైల్వే సిబ్బంది ట్రాక్కు మరమ్మతులు చేపట్టారు. చండీగఢ్ ఎక్స్‌ప్రెస్ లోని ప్రయాణికులను రైల్వే గమ్యస్థానాలకు తరలించింది. सर, ये आज क्या घटना हुई, किन कारणों से घटना हुई, इसका दोषी कौन है और कितने लोग मृत्यु हो गई? ये लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन थी जो बरेली की तरफ से आ रही थी और शाहजहाँपुर की तरफ जा रही थी। कटरा क्रॉसिंग के पास एक डीसीएम ट्रक, एक मोटरसाइकिल इसकी चपेट में आ जाने के कारण एक परिवार के 5 लोगों की कैजुअलिटी हुई है और एक व्यक्ति घायल है जिसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, ट्रैक क्लियर कराया जा रहा है और ये घटना क्यों हुई इसके बारे में अभी रेलवे की अथॉरिटीज़ प्रारंभिक जांच करने के बाद बता पाएंगे। सिग्नल फेल हुआ है या कोई और प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से दुर्घटना हुई है, लेकिन अभी मौके पर स्थिति सामान्य है और ट्रैफिक को सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी घटना टल गई है, कोई बड़ी कैजुअलिटी नहीं है, केवल एक ट्रक में जो परिवार था और एक मोटरसाइकिल जो उसकी चपेट में आई है उसका दुखद निधन हुआ है और उनमें से 2 लोग उपचाररत थे जिसमें से उपचार के दौरान एक व्यक्ति की डेथ हुई है। उसको निकटतम अस्पताल में तुरंत पहुंचाया गया था, सिद्धिविनायक अस्पताल है बरेली में और मैं समझता हूं कि स्थिति अभी कंट्रोल में है और हम लोग इसको बहुत जल्दी ट्रैक को चालू करा देंगे। सर, ये फैमिली कहाँ की है? ये लोकल है, तिलहार की फैमिली है और एक लोकल कटरा। किस वाहन में थी जो फैमिली? ये एक डीसीएम था और एक मोटरसाइकिल थी, तो सवारियाँ जो थी मोटरसाइकिल में थी और डीसीएम से एक्सीडेंट हुआ है तो ट्रक या डीसीएम जो था जिसपे मुझे लगता है उसमें हो सकता है कार कोई रहा हो, ड्राइवर या कोई और।